नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि जो है यूपी बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज का सवाल है कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यह समीकरण दिया हुआ है 1/x+4 माइनस में 1/x-7 बराबर 11/30, जहाँ यक्स जो है बराबर नहीं है -4 और 7 के, क्योंकि जो है अगर -4 के बराबर यक्स हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, आ यक्स यहाँ 7 के बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि यक्स का मान -4 और 7 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, इससे कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में जो है क्या करेंगे, 1 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो 1/x+4 - 1/x-7 बराबर क्या है, तो 11/30 है ना। अब देखिए, इसको जो हम लोग क्रॉस गुणा कर लेंगे। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर लेंगे और इसका इसमें गुणा कर लेंगे। कैसे, तो x-7 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x-7, होगा ना, ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, x+4 का 1 में गुणा करेंगे तो ये देखिए बीच में तो माइनस रहेगा ही रहेगा, और इसका इस 1 के साथ गुणा करेंगे तो x+4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या करते हैं, इसका आपस में गुणा कर लेंगे, क्रास ऐसे ही गुणा करते हैं, मतलब भिन्न का घटाना समझिए। ठीक है, अब x+4 x-7 का आपस में गुणा हो जाएगा तो x+4 x-7 का आपस में गुणा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो 11/30। ठीक है, 11/30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो है क्या करेंगे, अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट खोल लेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट खोल लेंगे, देखिए x-7, अब माइनस में क्या हो जाएगा यक्स, अब प्लस में है तो माइनस हो जाएगा ना, मना ही देखिए यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो जो है क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो -4 हो जाएगा। तो इसको जो हम लोग अब जो है अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, इसका गुणा, तो इसका गुणा करेंगे, यक्स के साथ गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यक्स का -7 में गुणा होगा तो माइनस में 7 यक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 का जो है एक्स में गुणा होगा तो प्लस में जो है 4 एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो प्लस और प्लस का गुणा होगा तो जो है क्या हो जाएगा, प्लस में 4 एक्स हो जाएगा। इसके बाद से 4 का -7 में गुणा होगा तो 7 चौको 28, तो माइनस में हो जाएगा 28। अब बराबर लिखेंगे 11/30। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो ऊपर वाले को इसको सॉल्व कर लेंगे और नीचे वाले को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग यहाँ इम्प्लाइज लिखते जाइएगा। ठीक है, ऐसे करते जाइएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यक्स माइनस में यक्स है तो ये जो है ख़त्म हो जाएगा यक्स से यक्स, क्योंकि प्लस में है माइनस में है तो 0 हो जाएगा यक्स। ठीक है, इसको ख़त्म कर लीजिए। अब जो है -7 है और -4 है तो ये जो है क्या हो जाएगा, -11, बटे में जो है क्या रहेगा, यही रहेगा, तो यक्स का स्क्वायर माइनस में, अब देखिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए, माइनस में 7 एक्स है और प्लस में 4 एक्स है तो ये घट जाएगा और चिन्ह माइनस का आएगा, अब 7 में 4 ज़्यादा 3 तो 3 एक्स हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 28, माइनस में हो जाएगा 28 बराबर हो जाएगा 11/30। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद से जो है क्या करेंगे, अब इसके बाद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए हम लोग चाहें तो इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 11 से भाग दे दिया जाए, 11 से यहाँ भी 11 से भाग दे दिया जाए, यहाँ भी जो है क्या किया जाए, 11 से भाग दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1/x का स्क्वायर माइनस में 3x
और माइनस में 28, ठीक है। अब बराबर लिखेंगे 1/30, ठीक है। इधर लिख देंगे दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 11 से भाग, मतलब थोड़ा और सरल हो गया, 11 से भाग दे दिए तो भाग देने पर, और नहीं देते ऐसे भी करते तो वो कोनो दिक्कत नहीं था, देने पर, ठीक है, ये चीज़ आया है, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, अब जो है देखिए, अब फिर इसका भी क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो 30 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसको ब्रज गुणन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। आइए जो है इसका 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 28 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस गुणा करने पर, हाँ, क्रॉस गुणा या ब्रज गुणन से गुणा करने पर, ठीक है, क्रॉस गुणा करने पर, तो इतना हो गया। अब इसी बात को हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, इसको जो है 30 को इधर ले जाते हैं, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। अब बराबर हम लोग लिखेंगे यक्स का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 28, और इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में 30, ठीक है। अब इधर हो गया 0। अब यह करके भी लिख सकते हैं हम लोग इतने का, पहले अब जो है 0 लिख दीजिए, अब बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस में 3x, अब इसको जो है सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, तो जो है ये क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए माइनस में 1 रहेगा ना, यहाँ पे माइनस 1 रहेगा तो माइनस में 30 हो जाएगा, ठीक है, इधर इसमें गुणा होगा तो माइनस में 30 हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस में 30 ये हो जाएगा। अब देखिए प्लस में 30 है और माइनस में 28 है, तो ये घटेगा तो जो है क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह अधिक है, ठीक है। तो जब जिसका चिन्ह अधिक होता है, चिन्ह वही आता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको जो हम लोग यहाँ करके लिख सकते हैं क्या, मैंने ये पूरा समीकरण को पलट लेते हैं, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 बराबर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूरा को जो है पलट दिया हमने, ठीक है। इधर जितना था इधर कर दिया, इधर जितना था इधर कर दिया, तो इसमें चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि टोटल बदल रहे हैं, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, तो अब जो है इसको मध्य पद को बांट के या गुणनखंड कर देंगे, तो मध्य पद को बांट लीजिए, तो मध्य पद को कैसे बांटते हैं, मान लीजिए यहाँ जो रहता है उसका जो चीज़ यहाँ है, मैंने अगर यहाँ पर मान लीजिए कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है, तो एक का जो है 2 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। अब 2 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जोड़ घटाना करने पर -3x आ जाए और गुणा करने पर 2 आ जाए, ठीक है। तो गुणा करने पर क्या आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए, और जो जोड़ घटाना करने पर 3 आ जाना चाहिए। तो यानी कि हम लोग 2 ले, 1 और 2 ले लें, 1 और 2, तो गुणा करने तो 2 आ जाएगा इससे, आज जोड़ घटाना करने पर, तो जोड़ घटाना करने का मतलब जोड़ कर लेते हैं, क्योंकि -3 लाना है ना, तो माइनस माइनस ले लिया जाए तो -3 आ जाएगा जोड़ने पर, हैं भाई, माइनस माइनस जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो जो है माइनस में 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3x, मैंने x ले लिया जाए तो और गुणा करने पर इन दोनों को जो है प्लस में 2 हो जाएगा, 1 × 2 तो 1 × 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जोड़ा सही है बांटने का। तो अब जो है क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x का स्क्वायर और माइनस में x, मैंने 1x का मतलब x भी लिख सकते हैं, और माइनस में जो है 2x लिख सकते हैं। तो अब हो गया माइनस में 3x, मैंने -3x को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप प्लस में जो है लिख देंगे 2, अब बराबर लिख देंगे 0, ठीक है। अब जो है क्या होगा, तो जो है इसको कामन निकाल लेते हैं, तो यक्स कामन निकल जाएगा, तो यक्स माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी जो है 2 कामन निकल जाएगा, तो जो है क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जो है यहाँ माइनस है ना, तो जब ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस को तो माइनस करके ही लिखेंगे, ताकि फिर ब्रैकेट खोलें तो प्लस में आ जाए, ठीक है, बराबर लिख देंगे 0, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, क्या करते हैं, मैंने जो है इम्प्लाई लिखते जाइएगा या करके लिखते जाइएगा, ठीक है ना,
ऐसे जो है लिखते जाइएगा, ठीक है, नहीं लिखेंगे तब वो कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x माइनस दो है तो x माइनस दो कर लेंगे, माने इसको इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, तो x माइनस दो हो गया। आई x माइनस x वन है तो x माइनस वन एक बार ले लेंगे, बराबर कर देंगे जीरो। चूँकि अब x का मान निकालना है हम लोगों को, और देखिए इन दोनों का गुणनफल जीरो है, इसका मतलब कि x माइनस दो बराबर जीरो हो सकता है या x माइनस वन बराबर जीरो हो सकता है, ठीक है, होगा ना। तभी ना जो भाई इसमें से कोई ना कोई जीरो होगा, तभी ना जो है जीरो आएगा गुणा करने पर, तो इसलिए x माइनस टू बराबर जीरो लिख देंगे, x माइनस वन बराबर जीरो लिख देंगे, ठीक है। तो x माइनस टू बराबर जीरो है तो इसका मतलब जो है x बराबर कितना हो जाएगा, दो, पक्षांतर करने पर। आई x माइनस वन बराबर जीरो है तो x का जो एक का जो है पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में एक हो जाएगा, तो इसके दो मान प्राप्त होंगे, ठीक है, तो इसके दो मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण के मूल दो हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण के मूल बराबर हैं एक और ही दो के, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि 2019 में पूछा था, 2020 में भी पूछा है, देखिए लगातार दो साल पूछा है, तो हो सकता है कि कहीं इस साल भी पूछ दे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इस टाइप के सवाल अवश्य से पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है ज़रूर ज़रूर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर जो है अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है आपका, ये देखिए प्रश्नावली 4 आपका जो है क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है ना, और जो कि 2019 में पूछा गया था, ये आपके जो है डॉक्टर मनोहरी के किताब में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यह एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 2019 में पूछा गया था, तो हो सकता है कि 2020 में पूछ दे, और नहीं पूछेगा तो एक तो अनुभव होगा ही आप लोगों को कि जो है इसको कैसे हल करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से तीन अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सब मिला जुला के हम लोग को मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना हल लिखिएगा, हल हल के बाद से लिखिएगा माना कि माना कि बर्तनों की संख्या बर्तनों की संख्या यक्ष है तथा प्रत्येक प्रत्येक नग की लागत प्रत्येक नग की लागत प्रत्येक नग की लागत का मतलब जो गो माने जितना बर्तन बनता है उसमें एक बर्तन की खर्च, एक बर्तन का लागत का मतलब खर्च, ठीक है। तो एक नग की लागत बराबर वाई है, ठीक है, रुपया है, वाई रुपया है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की जो लागत है उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से, उस दिन निर्मित किए गए माना कि बर्तनों की संख्या क्या है, उस दिन जो निर्मित किया गया है यक्ष है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो निर्माण लागत है ना, यही है ना निर्माण लागत, ये वाई, ये जो निर्माण लागत है वाई, यह जो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से तीन अधिक है, तो निर्माण किया गया बर्तन यक्ष है तो इसका जो है दोगुने से क्या है, तीन अधिक है यह जो है लागत, ठीक है ना। निर्माण जो लागत, ये जो लागत है ना, उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से तीन अधिक है, यह कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे लागत बराबर टू यक्स प्लस थ्री, ठीक है।
इसको जो हम लोग समीकरण नंबर एक कह देंगे, ठीक है, नाम रख देते हैं समीकरण नंबर एक, सवाल को हल करने में आसानी रहेगा, ठीक है। उसके बाद से जो है कह रहा है कि जो है उस दिन कुल निर्माण लागत जो है 90 रुपया थी, कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, यानी कि जितना निर्माण किया गया था उन बर्तनों का लागत जो है, कुल बर्तनों का लागत जो है क्या था, तो 90 था। तो मान लीजिए कि बर्तन कितने बने थे, यक्स, आज जो है प्रत्येक बर्तन का जो खर्च कितना था, वाई, तो यक्स बर्तन का जो है खर्च कितना हो जाएगा, मैंने एक बर्तन का खर्च जो है वाई रुपया है, आ यक्स बर्तन बने थे तो यक्स गुणे वाई कर देंगे तो कुल बर्तन का खर्च निकल जाएगा, आ यही खर्च जो है किसके बराबर है, तो 90 के बराबर है, यही खर्च किसके बराबर है, 90 के। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर दो। अब समीकरण नंबर जो है दो हो गया, तो देखिए अब इसको सॉल्व करना है दोनों समीकरण को, यानी कि यक्स और वाई का मान निकालना है हम लोगों को। तो जो क्या करेंगे, देखिए यहाँ सीधा सीधा हम लोगों को जो है वाई से जो है वाई मैंने वाई बराबर हम लोगों को प्राप्त हो गया है 2x+3। तो समीकरण नंबर एक से हम लोग जो है समीकरण नंबर दो में मान रख दे वाई का, तो आराम से जो है यह एक समीकरण बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक से, समीकरण एक से वाई बराबर 2x+3 समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर रख दीजिए, समीकरण दो में वाई के जगह पे ये, ठीक है, ये भर देना है वाई के जगह पे इसमें, तो समीकरण नंबर दो तो यक्स इंटू वाई के जगह पर रखेंगे 2x+3, ठीक है, आप बराबर 90 लिख देंगे, ठीक है, 90 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो यक्स का इसमें गुणा होगा तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, होगा, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माने यक्स का 3 में भी गुणा होगा, अब बराबर लिख देंगे 90, ठीक है। अब इसको चाहे तो इधर भी ला सकते हैं, तभी जो है हल हो पाएगा। तो क्या करेंगे, 2x² + 3x और माइनस में हो जाएगा 90, क्योंकि इधर है प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0 लिख देंगे, ओके। अब जो है क्या करेंगे, यह एक द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, अब इसको जो है मध्य पद को बांट के और इसको जो है हल कर लेंगे। मध्य पद को बांटने का तरीका क्या है कि 90 का इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है ना, इसका इसमें गुणा हो जाता है, यहाँ जोन भी रहेगा अंक उसका जो है इसमें गुणा हो जाता है, तो 90 दूना जो है कितना हो जाएगा, 180 इधर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये जो है करने का एक तरीका बता रहे हैं, इसको आप लोग को दिखाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 180 हो गया। अब 180 को दो ऐसे भागों में हम लोग को बांटना है कि जो है गुणा करें तो जो है क्या हो जाए, 180 हो जाए, आ जोड़ घटाना करें तो जो है प्लस में 3x आ जाए, ठीक है। तो जो है इसके लिए जो है क्या करेंगे हम लोग, तो जो है 180 का जो है गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है, तो 180 का गुणनखंड कर लीजिए, आसान विधि है, गुणनखंड कर लीजिए पहले, तो 2 से कटेगा, कटेगा 2 9 18 हैं 0 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 45 2 90 होता है ना, तो अब फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 3 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से कट जाएगा, 5 1 5, ठीक है। अब जो है क्या होगा, 2 2 4 3 12 12 25 60 36 18 180 अंश हो गया, 180 हो गया ना। तो अब देखिए, अब इसमें से जो है हम लोग को कुछ ऐसा करना है ताकि जो है ऐसा जोड़ा मिल जाए, ताकि जोड़ घटाना करने पर 3 आ जाए, गुणा करने पर 180 आ जाए, तो इन्हीं अंकों से जो है जौन भी 2 गो अंक बनाएंगे तो आराम से जो है गुणा करने पर 180 अंश आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 5 3 15 आ 2 2 4 3 12, ठीक है, 2 2 4 4 3 12 आ 5 3 15, माने 12 15 जो है अगर हम लोग लिख लें 12 और 15, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो आराम से 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में 3 आना चाहिए तो प्लस वाला अधिका ले लीजिए, अब माइनस वाला कम ले लीजिए, अब 15 में से 12 घटा लेंगे तो जो है प्लस में 3 आ जाएगा, अब 12 और 15 का गुणा करेंगे क्योंकि इन्हीं अंकों से बनाए हम लोग,
तो इन अंकों से बनाए हैं, तो 12 15 का गुणा करेंगे तो आराम से 180 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है दो भागों में बट गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस में, पहले छोटा लेते हैं अंक, तो 12x ले लेंगे और प्लस में 15x ले लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद से जो है माइनस में आई 90 लिखेंगे बराबर 0। ठीक है, हमने केवल इसी को बांटा है, माने +3 को जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, माने एक एक जो है शर्त के अनुसार से, नियम के अनुसार से लिखेंगे इसको। ठीक है ना, तो यही नियम है, इन दोनों का गुणा करें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए और जोड़ घटाना करके इतना आ जाए, माने जोड़ या चाहे घटाएं तो घटाने पर इतना आ जा रहा है। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, तो इसका कामन ले लेते हैं, तो कामन लेते हैं तो इसमें क्या कामन निकल जाएगा, 2x कामन निकल जाएगा, तो 2x कामन ले लेंगे, सॉरी इधर रहेगा, तो 2x कामन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये गो x बचेगा, क्योंकि यहाँ 2x है, ये 2x² है, 2x इसमें भाग देंगे तो x बचेगा ना, और फिर माइनस है तो माइनस, और फिर 2x का 12x में भाग देंगे तो 2 × 6 12 6 हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो x -6 हो जाएगा, मैंने जोन भी यहाँ कामा लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है इससे भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस ले लेंगे, 15 कामन इसमें से निकल सकता है, तो 15 ले लेंगे कामन, तो जो है यहाँ पे बचेगा एक्स, और माइनस में जो है 15 × 6 90, तो 6 हो जाएगा, अब बराबर लिख देंगे 0। ठीक है, अब जो है इसको इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, नियम है कि 2x और प्लस में 15 ले लेंगे एक ब्रैकेट में, इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे। ठीक है, ये दोनों सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब आप लोग को पता होगा कि इन दोनों का गुणनफल अगर 0 के बराबर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2x + 15 = 0 होगा, या x - 6 = 0 होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 15 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो 2x = -15 हो जाएगा, तो अब 2 को भी इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -15/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ऋणात्मक आ रहा है, तो ऋणात्मक जो है बर्तनों की संख्या होगी नहीं होगी, तो इससे जो है कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब इसको देखते हैं, तो x बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 6, तो x का मान जो है 6 आया। ठीक है, आइए प्लस में आ रहा है तो इसी से मतलब हम लोग रखेंगे, तो जो हमने x क्या माना था, तो हमने जो है बर्तनों की संख्या माना है। ठीक है ना, बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या जो है कितना हो गया, 6। ठीक है, बर्तनों की संख्या हो गया 6। अब हम लोग जो है लागत निकाल लेते हैं, तो इस मान को जो है कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x बराबर 6 को समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 यही है ना, तो लिख लीजिए y = 2x + 3। अब इसमें मान भर दीजिए तो 2x की जगह पे 6 और प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा, 6 × 12 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो y बराबर कितना हो गया, 15। अरे आई y बराबर चलता रहेगा। ठीक है, तो y बराबर हो गया 15, यानी कि जो है लागत निकल गया 15 रुपया एक बर्तन का। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिख देंगे स्पष्टीकरण में, उत्तर स्पष्टीकरण में, अतः नियमित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या 6 है तथा लागत जो है क्या है, लागत जो है 12 रुपया है। ठीक है ना, मतलब हम लोग जो है क्या है, प्रत्येक नग की लागत वही रुपया माने हैं, तो वाई का मान 15 आ रहा है, तो लिखेंगे तथा प्रत्येक नग का लागत खर्च क्या है, लागत खर्च लिख दीजिएगा 15 रुपया है। ठीक है,
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो सवाल थे और दो सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग इन दो सवालों को जो है बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, अपने ख्याल रखिए और गैरों का भी ख्याल रखिए। जय हिंद।